हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY स्टोरेज बैग, जिसे हम लेफ्ट ओवर फैब्रिक से भी बना सकते हैं। कपड़ा मैंने सीधा कर लिया है। इसकी जो लंबाई है 42 इंचेस है और जो इसकी चौड़ाई हम ऊंचा इसको रखेंगे वो 13 इंच है, देख सकते हैं आप। और ऊपर से हम इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। एक तरफ से मैंने फोल्ड कर दिया है, दूसरी तरफ से भी हमें इसे फोल्ड करना है और थोड़ा ऊपर ही रखना है इस तरीके से। कटिंग करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, आप देखिए। अपोजिट साइड में दोनों साइड को फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड मैंने कर लिया, एक साइड में भी कर लिया, करके दिखा दिया है आपको इस टाइप से। और अब हम इसमें बॉक्सेस बनाएंगे। अब हम देख सकते हैं, अब मैंने इसको पीछा लिया, नीचे से मैंने कटिंग नहीं किया है जिससे कि धागे निकलते हैं, इस वजह से मैंने कटिंग नहीं किया। अब दोनों साइड्स को हम जोड़कर सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने पूरा जॉइन कर लिया, ऊपर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ही रखा है। अब हम इसमें अपना स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाले पे निशान लगाएंगे, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल वाले पे। दोनों का मेथड सेम ही होगा, दोनों को बिछा लेना है इस तरीके से। जोड़ हमारा इस साइड आना चाहिए, आप देख सकते हैं। और इस साइड हमें आधा लेना है नाप का और बीच वाला हमें फुल लेना है। मैंने निशान लगा के सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं दोनों को। और अब हम इसके नीचे के लिए इसमें चारों तरफ सिलाई लगा के हमने रख दिया है। अब हम इसका 13x10 इंचेस का स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का ही कट करेंगे। कट करने के बाद हम जो हमारा कपड़ा था उसको हम सीधा इस पर जोड़ देंगे, चारों कोने मिलाकर हम इस पर सिलाई लगा देंगे, देख सकते हैं आप इस तरीके से। और ये वाला साइड जो बड़ा वाला साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और जो छोटा साइड है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने स्टिचिंग कर लिया है, तीनों कोने सिल दिए हैं इसके। अब कार्डबोर्ड लेना है हमें, ठीक उसी रेक्टेंगल नाप से हमें कार्डबोर्ड काटना है। काटने के बाद हमें इसमें इंसर्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक को हम खोलेंगे, एक इंसर्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से ही चला जाएगा बहुत आसानी से। ऐसे ही हम चारों में इंसर्ट कर देंगे बारी बारी से। आप चाहे तो घर में वेस्ट कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पूरा इंसर्ट कर दिया, नीचे का बेस हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। और चाहे तो आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं या आप इसे थोड़ा बड़ा भी काट सकते हैं। और नीचे बेस के लिए मैंने एक और रेक्टेंगल बेस थोड़ा मजबूत रहा उसके लिए मैंने इसके अंदर कार्डबोर्ड लगाकर सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे और कितना अच्छा परफेक्ट स्टोरेज बैग घर में ही बनकर तैयार।